गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द क्लास ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स MCQs एंड वी आर ऑन द फिफ्थ स्लाइड, द फिफ्थ सेट. सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर वन. नाउ व्हाट इज इट सेइंग? वैल्यूएशंस आर नीडेड फॉर मेनी रीजंस सच एज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, टैक्सेबल इवेंट्स to determine the proper tax liability and in litigation. So that is a true statement. तो valuations का need पड़ता है इन सभी factors के लिए, investment analysis, capital budgeting, merger and acquisition, transactions, financial reporting and taxable events to determine the proper tax liability. तो tax liability, tax assessment के लिए इन सभी factors की जरूरत पड़ती है. That is why this statement is true. सेकेंड क्वेश्चन, द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, द करंट स्टॉक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम ऑफ एक्सपायरी, वोलेटिलिटी. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन. तो ऑप्शन प्राइस को ड्राइव करते हैं, उनका कैलकुलेशन के लिए इन सभी फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है. इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, जो भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक प्राइस का, टाइम ऑफ एक्सपायरी, जितना ज़्यादा टाइम ऑफ एक्सपायरी होता है उतनी ही ज़्यादा ऑप्शन वैल्यू होती है, वोलेटिलिटी रेफर्स टू द फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइसेस. तो ये सारे ड्राइवर्स होते हैं फॉर द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. थर्ड, द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक अप और डाउन has a direct, although not equal, effect on the price of the option, right? So this is the right answer. Movement of the price of the stock, usko bola jata hai spot price. Jo bhi spot price hai stock ki, uska direct effect hota hai on the price of the option, right? Spot price up hoti hai, option ki price par fark hota hai, call option ke case mein value badh jati hai. इसी तरह से अगर स्टॉक प्राइस डाउन शो करती है, डाउन ट्रेंड शो करती है, तो कॉल ऑप्शन होती है तो वो वैल्यू कम हो जाती है, पुट ऑप्शन के केस में वैल्यू बढ़ जाती है. सो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक प्राइस या स्पॉट प्राइस के मूवमेंट का सीधा सीधा अफेक्ट होता है प्राइस ऑफ द ऑप्शन पर. ये बताया भी था आपको, ऑप्शंस के केस के अंदर जो भी प्राइस होती है, प्राइस ऑफ द ऑप्शन, वो इन सभी फैक्टर्स में, केवल एक ये मूवमेंट ऑफ द स्टॉक ही नहीं, ये सारी वैल्यूज, टाइम ऑफ एक्सपायरी, वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट, जो आपके ऑप्शन ग्रीक्स हैं, राइट, योर डेल्टा, गामा, रो, सो ऑल दीज फैक्टर्स, यू नो, थीटा, हैव एन अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन. एंड मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक, वेदर इट इज गोइंग अप और डाउन, हैज अ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन. कॉल ऑप्शन इंट्रेंसिक वैल्यू is equal to underlying stock current price minus strike price. तो ये याद रखिएगा, intrinsic value का formula होता है current stock price minus strike price. तो यानी कि ये call strike price, बात हो रही है call की, तो आपको call की strike price को use करना है. तो stock price minus strike price, और call option की बात हो रही है तो call की strike price लेनी है. यह आपने सीखा भी था ब्लैक स्कोल्स मॉडल में भी, और जिन भी स्टूडेंट्स ने फुल कोर्स वीडियोस लिए हैं तो बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में भी कैलकुलेट करना सीखा था इंट्रिंसिक वैल्यू, और आपको पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ग्राफ्स में भी सिखाए थे हाउ डू यू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. जो भी स्पॉट प्राइस या करंट स्टॉक प्राइस होती है माइनस करते हैं स्ट्राइक प्राइस, यू गेट द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. नंबर 5, the time value of options is the amount by which the price of any option exceeds the intrinsic value. That is a true statement. आपको याद रखना है, जो time value है options की, it is the amount, ये इसका definition भी है, by which the price of any option exceeds the intrinsic value, right? तो जब भी कभी price of an option exceeds the intrinsic value, that is shown by the टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन. टाइम वैल्यू ऑप्शन को यही कहा जाता है, प्राइस ऑफ एन ऑप्शन माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू, दैट्स द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस. नंबर 6,
Which of the following is consistent with a chase strategy? Vary production levels to meet demand requirements, vary workforce to meet demand requirements, vary production level and workforce to meet demand requirements. All of these factors, you know, they are consistent with the chase strategy. ये जो chase strategy है, ये वो strategy है जहाँ पर हमें जो production levels हैं उनको change करना पड़ता है, workforce level है उसको change करना पड़ता है, so that you can meet the demand requirements, or you have to change both production as well as workforce. That is, you know, called as chase strategy. Number 7, which of the following is not an advantage of level scheduling? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है. स्टेबल एम्प्लॉयमेंट तो एडवांटेज है, मोर एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट भी इट्स एन एडवांटेज, मैचिंग प्रोडक्शन एग्जैक्टली विद सेल्स ये एडवांटेज नहीं है, राइट. तो लोअर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना, तो ये भी एडवांटेज होता है. तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? मैचिंग प्रोडक्शन एग्जैक्टली विद सेल्स, ये सारे तो एडवांटेजेस हैं. दिस इज नॉट द एडवांटेज, मैचिंग प्रोडक्शन एग्जैक्टली विद सेल्स, यू नो, तो वो एक टास्क होता है प्रोसेस का, इट इज़ नॉट एन एडवांटेज. हालांकि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज और लोअर टर्नओवर, ये सारे एडवांटेजेस हैं. दैट इज वाई सी इज द राइट ऑप्शन, इट इज नॉट एन एडवांटेज. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज कंसिस्टेंट विद द यूज ऑफ लेवल स्ट्रैटेजी? लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वेंट्री का यूसेज होता है टू मीट द डिमांड रिक्वायरमेंट्स. तो आपको ध्यान रखना है, इन लेवल स्ट्रैटेजी वी हैव टू मेक यूज ऑफ इन्वेंट्री. ये वेरी प्रोडक्शन लेवल्स टू मीट डिमांड रिक्वायरमेंट, ये किसका एग्जाम्पल था? चेज स्ट्रैटेजी का. लेकिन वेन यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ लेवल स्ट्रैटेजी, तो आपको ध्यान रखना है यूज ऑफ इन्वेंट्री टू मीट डिमांड रिक्वायरमेंट्स. तो इन्वेंट्री का यूजेज आता है लेवल स्ट्रैटेजी में. नंबर 9, एन ऑप्टिमल प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग कैपेसिटी टू मीट डिमांड ओवर सेवरल प्लानिंग पीरियड्स, बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन मेथड. तो इट्स एन ऑप्टिमल प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग कैपेसिटी टू मीट डिमांड ओवर सेवरल प्लानिंग पीरियड्स, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन. जहां पर कैपेसिटी, यू नो, कैपेसिटी या सप्लाई को एलोकेट किया जाता है सो दैट डिमांड रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट. नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट प्लानिंग मॉडल्स इज बेस्ड प्राइमरीली अपॉन मैनेजर्स पास्ट एक्सपीरियंस? तो जो पास्ट एक्सपीरियंस पर है वो है कोफिशियंट्स मॉडल, राइट. इसके साथ साथ ही एक और मॉडल भी होता है, रिग्रेशन कोफिशियंट मॉडल, राइट. फाइनेंशियल मार्केट्स में एक मॉडल होता है शार्प इंडेक्स मॉडल. नाउ दैट शार्प इंडेक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन कोफिशियंट मॉडल, राइट. कोफिशियंट मॉडल, दैट इज प्रिसाइजली कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशियंट मॉडल. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होता है ये कोफिशियंट मॉडल, और शार्प इंडेक्स मॉडल में भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है. नंबर 11 इज टाइम वैल्यू इज ऑप्शन प्राइस. ये आपको बताया भी था अभी कि टाइम वैल्यू निकालने का डेफिनेशन भी आपने देखा था और उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा. ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू विल गिव यू टाइम वैल्यू. सो रिमेंबर, टाइम वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू. ये याद रखना है आपको, ऑप्शन वैल्यू माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू टाइम वैल्यू. 12, टाइम वैल्यू इज ऑफन रेफर टू एज एक्सट्रेंसिक वैल्यू. ट्रू, राइट. टाइम वैल्यू का फॉर्मूला तो ये होता है ऑप्शन वैल्यू माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू. सो टाइम वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू. नंबर 13,
the number of units of the stock required per option is known as delta of the stock, and taking these positions to create a risk-free investment is called as delta hedging. Absolutely correct. पहले तो आपको याद रखना है the number of units of the stock required per option, right? It is also called as delta. और डेल्टा का यूज करके जब आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, वो पोजीशंस क्रिएट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डेल्टा हेजिंग. डेल्टा हेजिंग का मतलब डेल्टा की मदद से रिस्क को रिमूव करना या रिस्क को मिनिमाइज करना, दैट इज द पर्पस ऑफ हेजिंग. और जब भी डेल्टा की मदद से किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टॉक पर ऑप्शन इज रेफर्ड एज डेल्टा. एंड व्हेनेवर हेजिंग, व्हेनेवर रिस्क इज you know removed by using delta, it is called as delta hedging. 14, time value is basically the risk premium that the option seller requires to provide the option buyer the right to buy, the right to sell. So both A and B are correct. So time value, aapne formula to abhi sikha tha iska, ki it is the option value minus intrinsic value. अब ऑप्शन वैल्यू दोनों के ही केसेस में हो सकती है, इट कुड बी फॉर कॉल ऑप्शन, इट कुड बी फॉर पुट ऑप्शन. तो टाइम वैल्यू इज क्रिएटेड यूजिंग बोथ कॉल एज वेल एज पुट, सो यू हैव द राइट टू बाय और राइट टू सेल, सो दैट इज व्हाई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट. नंबर 15, एन ऑप्शंस टाइम वैल्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वोलेटिलिटी, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. टाइम वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू आती कैसे है, फॉर्मूला एक बार फिर बताते हैं, ऑप्शन वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. और जो ऑप्शन वैल्यू है वो वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करती है, कभी आपके पास इंटरेस्ट रेट आए उस पे भी डिपेंड करती है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस पे भी डिपेंड करती है. तो जिन जिन फैक्टर्स पर ऑप्शन वैल्यू डिपेंड करती है, उन्हीं सभी पर ऑप्शंस की टाइम वैल्यू भी डिपेंड करती है. नंबर 16, parity is a word that means equivalence and it is used in option trading to express a certain balance among elements. No, it is false. Parity basically equivalence to hota hai, lekin it is an equivalence between call option and put option, right? That is why parity is also frequently used for put call parity. ये ब्लैक स्कोल्स मॉडल में भी आपको एक इक्वेशन सिखाई थी पुट कॉल पैरिटी की. तो इट इज अ वर्ड दैट मींस इक्विवेलेंस, बट इट इज नॉट यूज्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 17, अ स्टॉक इन्वेस्टर हु इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग ऑप्शंस टू कैप्चर अ पोटेंशियल मूव इन अ स्टॉक मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शंस आर प्राइज्ड. दिस इज द बॉटम लाइन. बॉटम लाइन का मतलब है कि यूजिंग ऑप्शंस टू कैप्चर अ पोटेंशियल मूव इन अ स्टॉक, राइट, एंड ही मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शंस आर प्राइज्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज द बॉटम लाइन. टाइम वैल्यू अलग चीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग चीज है. वो दोनों के बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है, आप स्क्रॉल करके फॉर्मूले देख लीजिएगा, वो आपको बताए भी हैं अभी एक दो बार स्क्रॉल करके. बट whenever you know we talk about an investor who is interested in using options to capture a potential move in a stock and he must know how options are priced, that is the bottom line. Number 18, knowing the current and expected volatility in the price of an option is essential for any investor who wants to take advantage of the movement of a stock price. This is a true statement. कभी भी इन्वेस्टर को पैसा बनाना है, राइट, ऑप्शन के अंदर, तो उसको करंट और एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी के बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, राइट, देन ओनली ही कैन अर्न मनी. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नंबर 19 सेज द ऑप्शन परचेजर हैज नो ऑब्लिगेशन to exercise the option, but the option writer who sells the option must trade if the option is exercised and assigned to him. It is a true statement. ये option का nature ध्यान रखिएगा. जो purchaser होता है, purchaser को क्या कहा जाता है, buyer
और होल्डर, बायर और होल्डर के पास राइट तो आ जाता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बायर हैज नो ऑब्लिगेशन, उसके पास राइट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाती है, तो वो कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है कि उसको वो ट्रेड एक्सरसाइज करना ही करना है, वो ट्रेड को लैप्स भी कर सकता है। तो ऑप्शन परचेजर, जिसका दूसरा नाम है बायर और उसको पॉपुलरली होल्डर भी कहा जाता है, ही हैज नो ऑब्लिगेशन। बट द ऑप्शन राइटर, राइटर का मतलब होता है सेलर। द ऑप्शन राइटर इज द पर्सन हु सेल्स द ऑप्शन, और उसको वो ट्रेड करना जरूरी है अगर ऑप्शन एक्सरसाइज की गई है तो, राइट। सो इफ द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज, तो उसके पास ऑब्लिगेशन है कि उसको वो काम करना जरूरी है। सो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, और इसी के लिए उसको प्रीमियम मिलता है, राइट। ही गेट्स द प्रीमियम। बायर होल्डर क्या करता है, राइट अर्न करता है, वो प्रीमियम पे करता है, सेलर को प्रीमियम मिलता है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू। इसके पास होता है राइट, सेलर के पास होता है ऑब्लिगेशन कि अगर ये एक्सरसाइज करेगा तो सेलर को बात माननी पड़ेगी, उसको वो ट्रेड कंफर्म करना ही पड़ेगा। नंबर 20 के अंदर कंपाउंड ऑप्शन कैन टेक एनी ऑफ द फोर फॉर्म्स, कॉल ऑन ए कॉल एंड पुट ऑन अ पुट, अ कॉल ऑन ए पुट एंड अ पुट ऑन ए कॉल। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड ऑप्शन है, कंपाउंड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो मोर देन वन ऑप्शन। कॉल के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, पुट के ऊपर पुट भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कंपाउंड ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस। कॉल कैन बी डन ऑन अ पुट एंड पुट कैन बी डन ऑन अ कॉल। जनरली ये काम किया जाता है स्पेक्यूलेशन में, और कई बार किया जाता है रिस्क को हेज करने के लिए भी। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही नहीं है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेट नंबर 6, राइट, ब्लैक स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल। नाउ दिस इज यू नो वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल्स अलॉन्ग विद ब्लैक बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। तो ब्लैक स्कोल्स मॉडल के अंदर आपने जो फुल कोर्स वीडियोज भी देखे हैं, वहाँ पर कॉल ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है स्टैंडर्ड मॉडल से, डिस्क्रीट डिविडेंड मॉडल से, कंटिन्यूस डिविडेंड मॉडल से, और कॉल ऑप्शन की मदद से पुट कॉल पैरिटी की हेल्प से आपने पुट ऑप्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस, द ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज एन अप्रोच विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका काम यही होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, पर्पज ही यही है, फॉर्मूला ही आपने देखा था उसका। सी ओ कॉल ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करते थे हम SND1, राइट, माइनस KND2 अपॉन ERT। तो फॉर्मूले आप लोगों ने पूरे सीखे हैं, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल ऑफ द फॉर्मूले, उनके लिए आप फुल कोर्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल अब सॉल्व करने को नहीं आएगा। हालांकि फॉर्मूले याद करके जाइएगा, फॉर्मूले में ऐसा कर सकते हैं MCQs में कि 4 में से 1 करेक्ट ऑप्शन दे दें, 3 गलत, तो जो गलत ऑप्शंस हैं उनको छोड़कर जो राइट ऑप्शन होगी फॉर्मूले की उसको टिक करना पड़ेगा। सो नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल द रेलेवेंट मेजर ऑफ रिस्क इज बीटा। तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो स्टॉक मार्केट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, उसके अंदर मेजर ऑफ रिस्क होता है बीटा। CAPM का फॉर्मूला ही याद रखना, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, राइट, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा। सो बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क इन CAPM मॉडल। CAPM मॉडल में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत डिटेल में सिखाया था आपको, ये सभी के टिप्स पे होना चाहिए। द मेजर ऑफ रिस्क इज डन बाय बीटा। नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट पोर्टफोलियो, इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिकली ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट्स, ये बिल्कुल ठीक है। इट लाइज ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर, ये भी बिल्कुल ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो लाइज ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर।
all securities in the market portfolio are held in proportion to their market values, right? इनको जो proportions है उनको weights भी बोला जाता था, अगर आप लोगों को याद हो, it was also called as weights, और weights निकालने के कई formula बताए थे हमने, सारे जो capital invested है उनका total किया और हर एक जो security का amount है उसको divide किया total से, you get the weights, और इन weights को proportionate value भी बोला जाता है. इट इज द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द कैपिटल मार्केट लाइन एंड द इनडिफरेंस कर्व. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मार्केट पोर्टफोलियो में कभी भी इट इज नॉट द टेंजेंसी लाइन बिटवीन द कैपिटल मार्केट लाइन CML एंड इन द इनडिफरेंस कर्व, तो वो टेंजेंसी लाइन पे नहीं लाई करता है. दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, राइट? ऑल दो ये ठीक है कि इट लाइज ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर, बट इट डज नॉट लाई ऑन द टेंजेंसी, वो टेंजेंसी पर नहीं लाई करता है. नो. नंबर फोर, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल अज्यूम्स दैट मार्केट्स आर परफेक्टली लिक्विड एंड इट इज पॉसिबल टू परचेज और सेल एनी अमाउंट ऑफ स्टॉक और ऑप्शंस और देयर फ्रैक्शंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का ये अजम्पशन है, राइट? सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑल्सो. ये अजम्पशन है कि मार्केट्स आर परफेक्टली लिक्विड, राइट? लिक्विड मतलब इमीडिएटली आप अपने स्टॉक्स को या ऑप्शंस को बाय और सेल करके यू कैन इमीडिएटली ट्रांसफर द कैश इनटू योर अकाउंट. सो द मार्केट्स आर परफेक्टली लिक्विड, फुल ऑफ कैश, एंड इट इज पॉसिबल टू परचेज. बिल्कुल पॉसिबल है परचेज करना और सेल करना एनी अमाउंट ऑफ स्टॉक or options or their fractions at any given point of time. This is an assumption of Black-Scholes model. 5. The binomial model breaks down the time to expiry into potentially a very large number of time intervals. True. Binomial tree aap logo ko sikhaye the, to uske andar jo time of expiry hai usko wo break down to kar hi dete hain. Right? You can break it down the time into various or you know potential large number of time intervals. तो वो आपको टू स्टेज मॉडल, थ्री स्टेज मॉडल और फोर स्टेज मॉडल में भी सिखाया गया है ये चीज, राइट? यू कैन ब्रेक डाउन इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम इंटरवेल्स. दैट्स द पिक्युलैरिटी ऑफ बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल. नंबर 6, अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्टोकेस्टिक प्रोसेस developed except when the stock goes ex dividend. That is a true statement. So dividend paying stock can reasonably be expected to follow the stochastic process. Ye jo upar diagram banaya, it is also an example of stochastic process. Matlab ye jo binomial model hai, it is also an example of stochastic process. So koi bhi dividend paying stock, it can be reasonably be expected to follow this particular model or any, you know, mathematical model except when the stock goes ex dividend. Keval ye iska limitation, iska exception hai ki jab stock ex dividend ho jata hai to fir uska wo jo mathematical jo value hai wo thodi si wavered ho jati hai, kyunki ex dividend karte hi jo stock ki price hai wo ek baar to immediately gir jati hai whenever the stock goes ex dividend, right? So this is a true statement. Any stock, right, not only a dividend paying stock, any stock can be expected to follow the stochastic process developed except केवल इसका exceptional यही है when the stock goes ex dividend. जैसे ही dividend दे दिया, मान लीजिए Reliance कंपनी का शेयर है 1000 रुपीज का और उसने 50 रुपीज का dividend दिया है, तो 50 रुपीस का डिविडेंड देती है, एक बार उसकी प्राइस थोड़ी सी कम आ जाती है, 950 960 पर ट्रेड करती है, तो उस प्राइस को बोला जाता है एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ द स्टॉक. वो डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड देते ही जो प्राइस आ जाती है दैट्स कॉल्ड एज एक्स डिविडेंड प्राइस. उस केस में वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, उसका डेविएशंस आ जाता है. नंबर 7, इन अ वेल diversified portfolio unsystematic risk is negligible. That is a true statement. जब भी आप अपने portfolio को diversify कर लेते हैं तो market risk तो नहीं उससे affect होता, लेकिन जो unsystematic risk होता है
वो उससे डाइवर्सिफाई हो जाता है. तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नेग्लिजिबल. मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क वो तो फिर भी उसके अंदर सिग्निफिकेंट रहता है, बट द अनसिस्टमैटिक रिस्क, आपको बताया था ये अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रिस्क. तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बेस्ड रिस्क जो है, कंपनी बेस्ड रिस्क, वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत बिल्कुल मिनिमम रह जाता है. नंबर एट, द अपॉर्चुनिटी लाइन. अब अपॉर्चुनिटी लाइन क्या होती है? रिमेंबर इट्स अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मेड अवेलेबल बाय मिक्सिंग अ रिस्की एसेट एंड अ रिस्क फ्री एसेट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अपॉर्चुनिटी लाइन का मतलब ही है कि सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो एक रिस्की एसेट और रिस्क फ्री एसेट को मिलाकर बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी लाइन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट. नंबर नाइन, कंसिडर अ ग्राफ विद स्टैंडर्ड डिविजन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द वर्टिकल एक्सिस. राइट, जस्ट अ मिनट. सो यू हैव टू एक्सिस, वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज वर्टिकल. नाउ कंसिडर अ ग्राफ विद स्टैंडर्ड डिविजन ऑन द हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द वर्टिकल एक्सिस. द लाइन दैट कनेक्ट्स द रिस्क फ्री रेट एंड द ऑप्टिमम रिस्क की पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट लाइन. राइट, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि एक लाइन जो होती है विच कनेक्ट्स द रिस्क फ्री रेट एंड द ऑप्टिमल रिस्क की पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट लाइन, CML शॉर्ट में बोला जाता है. हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है और ये थोड़े से जो दो तीन क्वेश्चन है ये सिक्योरिटीज एनालिसिस से रिलेटेड है, बट यू शुड नॉट इग्नोर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एज दे आर ऑल्सो वेरी हैंडी. सो दैट इज अ कैपिटल मार्केट लाइन, राइट, इन विच वी ड्रॉ अ ग्राफ with standard deviation on the horizontal and expected return on the vertical axis. Number 10 is called as market risk. It is also called as systematic risk. So first option is absolutely correct. Usko diversify nahi kar sakte. Market matlab, you know, the risk which is related to the stock market, it is non-diversifiable. Usko diversify nahi kiya ja sakta hai. और उसको पॉपुलरली सिस्टमैटिक रिस्क भी बोला जाता है. ये आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था. मार्केट रिस्क इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क और कंपनी रिस्क यानी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. राइट, ओके. नंबर 11, इफ एन एसेट एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लॉट्स अबव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, द एसेट इज, अगर किसी एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, किसी भी स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स द एसेट इज अंडर प्राइज्ड. राइट, वी शुड इमीडिएटली बाय. अगर कभी भी किसी स्टॉक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वी शुड इमीडिएटली बाय दैट स्टॉक and that stock is underpriced. ये भी आपको सिखाया था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CML SML के अंदर कि whenever the expected return is greater, अगर expected return greater होता है, if it is greater than CAPM return or SML return, you should always buy that stock. तो ये याद रखना, अगर कभी एक्सपेक्टेड रिटर्न इट इज ग्रेटर देन CAPM रिटर्न, ग्रेटर हुआ ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऊपर है आपकी SML लाइन के ऊपर, SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन हो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता क्या, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CAPM ओनली. जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा था चैप्टर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दे आर इन अ गुड पोजिशन, दे कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली कि जहाँ पर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ग्रेटर होता है CAPM पर, यू शुड ऑलवेज बाय
और बाय करते हैं क्योंकि वो स्टॉक अंडर प्राइज्ड होता है, उसकी प्राइस की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट इज अंडर प्राइज्ड. 12, द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज द स्लोप ऑफ मार्केट रिस्क प्रीमियम इज द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. राइट, तो ध्यान रखना है आपको जो रिस्क प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम होता है RM माइनस RF. तो रिस्क प्रीमियम इज द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. इसका सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है क्या है, जो CAPM का फॉर्मूला है वही होता है. बट सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CAPM. तो इसमें ये वाला जो टर्म है उसको बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम. सो इट इज द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. नंबर 13, यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एनालाइज्ड बाय अज्यूमिंग दैट द स्टॉक प्राइस इज द सम ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. तो सम ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स आर रिस्कलेस कॉम्पोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉन डिविडेंड्स ड्यूरिंग द लाइफ एंड अ रिस्की कॉम्पोनेंट. इट इज अ टू स्टेटमेंट. यूरोपियन ऑप्शंस का एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपने पहले सीखा है कि वो होता है इट कैन बी एक्सपायर्ड ओनली, आई मीन इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द डे ऑफ एक्सपायरी. लेकिन यूरोपियन ऑप्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक, उसका सेलियंट फीचर ये है कि इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक रिस्कलेस और रिस्की कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नंबर 14, डिविडेंड्स आर पेड एट वेरियस टाइम्स वाइल द स्टॉक इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर एंड हेंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ कंटिन्यूअस डिविडेंड यील्ड. तो जब भी डिविडेंड वेरियस टाइम इंटरवल्स पर पे किए जाते हैं, डिस्क्रीट में तो क्या होता है कभी एक बार या दो बार पे कर लेते हैं, बट वेन एवर दे आर पेड एट वेरियस टाइम्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस डिविडेंड यील्ड एंड द स्टॉक इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर. वेंडर और कस्टमर ये कोई टर्म यूज नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट में. यू ऑलवेज हैव इन्वेस्टर और ट्रेडर. तो ट्रेडर तो स्पेकुलेशन करता है लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक परचेज करता है और उसको डिविडेंड मिलते रहते हैं वेरियस टाइम्स पे एंड दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस डिविडेंड यील्ड मॉडल. नंबर 15, पेरिशेबल गुड्स मार्केट्स रिक्वायर हाईली फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो दैट फिल इन द ब्लैंक कैन बी क्लोजली मैच्ड एंड वेस्ट प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड. तो इसमें फिल इन द ब्लैंक में आना चाहिए बोथ सप्लाई एंड डिमांड. ये दोनों जब जब मैच हो जाएंगी ना, सप्लाई और डिमांड की मैचिंग बड़ी जरूरी है. ये मैच हो जाएगी तब तो वेस्ट प्रोडक्शन मिनिमाइज होगा. तो केवल एक सप्लाई नहीं, केवल एक डिमांड नहीं, बोथ ए एंड बी. राइट, ये डी ऑप्शन भी नहीं काम करेगी यहाँ पर. बोथ ए एंड बी, मैचिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज वेरी एसेंशियल. नंबर 16, द हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट द हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एनी स्टॉक. ये बताना है आपको कि इंटरेस्ट रेट हायर होगी तो रिटर्न भी, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी हायर होगा. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो याद रखिएगा, हायर द इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न. लोअर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न. जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स होंगी तो जो इन्वेस्टर है ट्रेडर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा रिटर्न उससे तो ज़्यादा ही मिले ना. अगर मान लीजिए बैंक्स या कोई भी रिस्क फ्री एसेट्स लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर्स 6% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, 1,00,000 रुपये पर 6% हो गया 6,000. तो अब इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करेगा वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई उसका जो रिटर्न हो वो 6% से तो ज़्यादा हो. राइट, सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू कि हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट
हायर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन एनी गिवन स्टॉक, क्योंकि अगर वो लोअर रेट ही ऑफर करेंगे तो वाई विल ही इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, वो तो सीधा बॉन्ड्स में डिवेंचर्स में ही पैसा लगा देगा, वहाँ रिस्क भी नहीं होगा राइट और सीधे सीधे इतना एक फिक्स जो अमाउंट है वो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज ऑल्सो रिस्कलेस। नंबर 17, द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द फिल इन द ब्लैंक चेंजेस एंड द डिस्काउंट रेट दैट मस्ट बी यूज फॉर एनी पे ऑफ फ्रॉम द डेरिवेटिव चेंजेस, तो इट्स ऑलवेज यू नो द स्टॉक प्राइस, द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द स्टॉक प्राइस चेंजेस। तो 17 का राइट आंसर है बी, वेन एवर यू नो द ग्रोथ रेट इन द स्टॉक प्राइस चेंजेस एंड द डिस्काउंट रेट दैट मस्ट बी यूज फॉर एनी पे ऑफ फ्रॉम द डेरिवेटिव इट ऑल्सो चेंजेस, तो अगर ग्रोथ रेट चेंज होगी तो डिस्काउंट रेट भी चेंज होगी, लेकिन किसकी, स्टॉक प्राइस की, बिजनेस या मार्केट प्राइस की नहीं, ओनली फॉर द स्टॉक प्राइस। नंबर 18, establishes a fill in the blank but provides for adjustment based on specified contingencies such as economic price adjustment, that is a fixed contract price. तो fixed contract price establish की जाती है, लेकिन उसमें एक clause होता है कि there is an adjustment based on specified contingencies such as economic price adjustment, right? Otherwise fixed contract prices are absolutely fixed but they always provide for adjustment based on specified contingencies. Number 19, the Black-Scholes model often called using by the full name Black-Scholes option pricing model is an approach for calculating the value of stock option, let it be a call option or a put option. It's a true statement. Black-Scholes model का purpose यही है, to calculate the value of call option or put option. Number 20, Black-Scholes model is basically used, is basically a formula that is used to calculate put option, call option, option values. So for 20, the right answer is C. आपको ध्यान रखना है केवल पुट नहीं, केवल कॉल नहीं, ऑप्शन वैल्यूज, तो ऑप्शन वैल्यूज कुड बी कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन, दोनों के लिए ही कैलकुलेट करने के काम आता है Black-Scholes मॉडल। सो यू कैन हैव यू नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन Black-Scholes मॉडल, उसका फॉर्मूला तो है ही, साथ ही साथ ये थियोरेटिकल जो MCQs हैं उनको भी देख कर जाइएगा, बिकॉज इन फाइनल एग्जाम्स श्योरली यू आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस ऑन Black-Scholes मॉडल एट एज इट इज यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल विच इज यूज इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन, और उसमें भी दोनों तरह की कॉल भी और पुट भी, राइट। फुल कोर्स वीडियोज में सारे हमने फॉर्मूले भी सिखाए हैं, कॉल ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर पुट कॉल पैरिटी की हेल्प से आप पुट ऑप्शन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो वी कम टू एन एंड ऑफ टूडेज लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इन द नेक्स्ट class.